Loud speed recorder. Add button. Selected 37 red button. Button 0004. Home button. Namaste Recording Club. मैं आरसी संदीप. आज 9 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पूरे 20 दिनों के बाद कई सारी मुश्किलों को झेलने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में लौटने का एहसास करने के बाद, और अगर आज की बात करूं तो रात के लगभग 10 बजे हमेशा की तरह कोल्ड कॉफ़ी पी लेने के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 233 लेकर के. दोस्तों, 19 जुलाई को कहानी के साथ आया था और यकीन मानिए ये सोच करके आ रहा था कि रूटीन चलता रहेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की वजह से पिछले 20 दिनों में जितना परेशान रहा हूँ उतना पिछले 2 सालों में कभी नहीं रहा. और मैं ये भी जानता हूँ कि जितना मैं परेशान रहा उससे कई गुना ज़्यादा हमारे साथी परेशान रहे, क्योंकि सामान्य सी बात है जो हर कोई समझता है, मैं भी समझता हूँ, कि जब आप कोई सर्विस लेते हैं कोई शुल्क दे करके, और ख़ासकर वो जो आपके लिए आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो, आपकी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे में परेशान होना लाजमी है. और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की वजह से कई बार हमारे सम्मानित साथियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसका मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है, और इसीलिए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. कोई कहानी रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा था, और सोच यही रहा था कि किसी तरीके से ऐप चल जाए, ऐप सही परिस्थिति में रहे और हमारे दोस्तों को कोई तकलीफ़ ना हो. तो इसलिए इतनी सारी बातें मैंने कही कि अब वो जितनी भी परेशानियां थी ऐसा लग रहा है कि वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं. और अगर आप सबकी दुआएं रही, ईश्वर का साथ रहा, तो 15 अगस्त को बहुत बड़े चेंजेस के साथ एक नया अपडेट रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का आने वाला है. लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जब मेरे साथ होती हैं तो कुछ भी कहने से डर लगता है. हालांकि 15 अगस्त को रिकॉर्डिंग क्लब के 7वें कन्वेंशन की विस्तृत जानकारी और औपचारिक तौर पर उसके रजिस्ट्रेशंस ज़रूर प्रारंभ हो जाएंगे, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि ये तो आप सुनते रहे हैं, ये कार्यक्रम इंदौर में होना है और इंदौर में हमारे टीम के साथी विनोद भाई जी जान से लगे हुए हैं इस कन्वेंशन को सफल बनाने के लिए. और विनोद भाई का तो हमको मालूम है कि वो लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी घोषणा तो पिछले कन्वेंशन में ही हो गई थी. लेकिन हो सकता है कोई ना कोई हमारा साथी ऐसा भी हो जो कहीं दूर बैठ करके विनोद भाई से अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं 8वें कन्वेंशन को करने की भी तैयारी कर रहा होगा. खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कहानी जहाँ छूटी थी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर, वहीं से शुरू करना उचित है. और ये जो पूरी घटना है,
इसको एक समय ऐसा था जब मैं बहुत उत्साह से सुनाना चाहता था, और ख़ासकर उन दिनों में जब ये पूरी घटना घटित हुई थी। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं इस घटना को सुनाते हुए संकोच कर रहा हूं। संकोच इसलिए कर रहा हूं कि बार बार मैंने इस कहानी के माध्यम से आप सबको कहा है कि जिन लोगों ने क्लब के साथ बुरा व्यवहार किया है, या कब या क्लब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों का नाम लिए बिना केवल उनके द्वारा किए गए कृत्यों को बताना ज़्यादा उचित है। लेकिन दुर्भाग्य से इस घटना में मुझे ऐसे लोगों का नाम लेना पड़ेगा जिन लोगों ने क्लब के लिए काफ़ी कुछ ऐसा करने का प्रयास किया समय समय पर, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक साथी का नाम जो हमारे साथ अब नहीं है, उसका नाम मुझे लेना पड़ेगा। दो साथियों का नाम आएगा, एक तो तब भी नहीं था और एक अब नहीं है। लेकिन जिसने जो अच्छा किया, जब अच्छा किया, अच्छे काम में उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति साथ हो या ना हो। लेकिन कभी ना कभी रिकॉर्डिंग क्लब की बेहतरी में अगर रत्ती भर भी योगदान रहा है, तो उस अच्छे योगदान के लिए उनके नाम का उल्लेख इस मंच पर ज़रूर किया जाना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। हाँ, बुरे काम में नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे काम अगर किया है तो फिर ज़रूर उसका जिक्र होना चाहिए। तो काफ़ी लंबी चौड़ी भूमिका बना लेने के बाद, भूमिका तो दरअसल बनानी ही पड़ेगी। ये पूरी कहानी फरवरी 2017 से शुरू होती है, इसलिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड समझे बिना इस कहानी को सुनाने का न तो मज़ा है और आपको भी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये जो घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये मई 2019 की है। तो पहले हमें फरवरी 2017 से शुरू करके मई 2019 तक जाना पड़ेगा। तो इसके सभी किरदार, सभी पात्र आपकी आंखों के सामने चित्रित हो जाएंगे। फरवरी 2017 में रिकॉर्डिंग क्लब का एक पहला कन्वेंशन आयोजित किया गया पुष्कर अजमेर में। तारीख थी 25-26 फरवरी 2017, और उसके कुछ दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 13-14 फरवरी के आसपास रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल बना। और रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल बनाने का कार्य और बनाने का सुझाव एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया। उस व्यक्ति का नाम था स्वरूप हल्दर, जोधपुर राजस्थान से। शायद निवासी सिरोही का है, लेकिन शिक्षा दीक्षा वगैरह वगैरह वो सब जोधपुर में हुई। और इसका भी एक कारण था, क्योंकि आगे होकर के स्वरूप हल्दर ने ये कहा कि
ये जो पुष्कर कन्वेंशन हो रहा है इसका फॉर्म हमें बनाना चाहिए, मैं ये फॉर्म बनाऊंगा वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई आगे होकर के साथ आता है, साथ देना चाहता है, तो मुझे लगता है उसका हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। और कई साथी तो ऐसे हैं जिसको आगे होकर के हमने भी अप्रोच किया, बाद में उन्होंने कुछ और किया, लेकिन खैर कहानी स्वरूप पर रखते हैं फिलहाल। तो स्वरूप ने चैनल बनाया यूट्यूब का और तय ही हुआ कि इस कन्वेंशन में भाई प्रतीक और बाकी सब साथियों के हाथों इसका औपचारिक ऐलान होना चाहिए, इसका उद्घाटन होना चाहिए, इसकी लॉन्चिंग होनी चाहिए। ठीक वैसा ही हुआ, 26 फरवरी को सुबह लगभग 11:30 बजे तकनीक के सत्र में ये ऐलान कर दिया गया कि रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल बन चुका है और 43 सेकंड का एक तब का मेरा ऑडियो वीडियो के शक्ल में आज भी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कई चैनल ऐसे हैं दोस्तों जो 2017 में बने, आज उनमें करोड़ों जो है वो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब के तो कुछ चंद हज़ार ही हैं अभी तक। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा व्यवधान, किचन की टंकी भर गई, किचन। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि रिकॉर्डिंग क्लब के तो भाई कुछ हज़ार ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हैं जितने भी हैं अच्छे हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि कभी भी जब चैनल बना उसके बाद के दिनों में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रही नहीं, मेरी तो रही नहीं और बाकी किसी और की पता नहीं रहती नहीं रहती। बहरहाल स्वरूप की कहानी इस कन्वेंशन के बाद धीरे धीरे समाप्त होती गई और वो समाप्त यूं हुई कि पुष्कर कन्वेंशन में श्रीमान जी नहीं आए कह करके भी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उदयपुर कन्वेंशन हुआ, तब तक भी वो बातचीत करते रहे लेकिन श्रीमान जी नहीं आए। और फिर उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन का काम, हाँ उदयपुर कन्वेंशन में भी जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक था वो भी स्वरूप ने ही तैयार किया था। तो पुष्कर में तो उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, सर मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन जब उदयपुर में सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं आए तो मुझे थोड़ी आशंका लगी कि मैंने कहा कहीं कुछ तो गड़बड़ है, चलो इनका समय का इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसका कोई स्पष्ट कारण सामने आया नहीं। और जो सामने आया वो बड़ा चिंताजनक था कि ये समय समय पर कुछ कुछ कर लेना, कहीं कहीं थोड़ा बहुत योगदान दे के प्रसिद्धि पा लेना, ऐसा मुझे लगा, मतलब हो सकता है ऐसा ना भी हो, ऐसा मुझको लगा। लेकिन मैंने कहा चलो ये तो अपना निजी निर्णय होता है भाई, कोई आए चाहे नहीं आए, वो नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, इस बात का भी क्या हो माना जाए। लेकिन ये ज़रूर समझ में आ गया कि यार बहुत ज़्यादा विश्वास करना शायद ठीक ना होगा, लेकिन काश कि मुझे उस समय पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाती। मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं यार ठीक है, अच्छा होगा इंसान। और ये बात आप समझिएगा कि मेरे मन में बुराई नहीं थी तब भी, ये अभी मैं स्पष्ट करूँगा थोड़ी देर में आपको, क्योंकि कोई कन्वेंशन में ना आए इसी वजह से सिर्फ किसी को बुरा मान लेना ये उचित नहीं होता, ये तो अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस व्यक्ति ने योगदान दिया है, अभी तो एक दूसरे व्यक्ति का जिक्र आना बाकी है, ये तो पहले व्यक्ति का जिक्र आ रहा है, तो जिस व्यक्ति ने योगदान दिया है उसके योगदान को
उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए, चाहे उसने तनिक रत्ती भर भी योगदान दिया हो, वरना आप 7 साल का सफ़र, बल्कि 7.5 साल का सफ़र यूं ही तय नहीं कर लेते। इस यात्रा में अनेक साथी आए हैं, अनेक गए हैं, अनेक और आएंगे। तो जब देवास कन्वेंशन आया तो फिर उन भाई साहब ने पेशकश दी कि मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, हमारे टीम के साथी हैं प्रतीक भाई, इस बार लिंक वही बना रहे हैं। और ये भी, ये तय भी, ये सच भी है, प्रतीक भाई ने ही देवास कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन का लिंक बनाया था। और प्रतीक भाई अगर एक्टिव हो जाएं तो फिर तो चाहिए ही क्या हमको। तो फिर उसके बाद उसको भी मैंने समझा दिया, मैंने कहा यार तुम भाई बार बार ऐसा करते हो, आते हो नहीं, मिलते हो नहीं, कहीं कुछ इंटरेस्ट लेते नहीं हो बाकी की गतिविधियों में, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता दोस्त। तो अब मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें काम देने का, ये मैंने कह दिया फ़ोन पर। तो उसने भी कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। बस अब जो रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल बना था, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनाया भी उन्होंने भाई साहब ने, रूप हल्दर ने। अब जब उन्होंने बनाया तो उसका पासवर्ड भी जाहिर है उन्होंने बनाया, और हाँ वो ज़रूर है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे पास था। आप अगर यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो उदयपुर कन्वेंशन पूरा लाइव किया हमने मोबाइल से ही, और इसमें महती भूमिका रही भाई नंदकिशोर जाजड़ा, भाई विपुल जैन, भाई लक्ष्मण मेवाड़ा, विनोद गढ़वाल जी, तमाम तमाम साथियों ने समय समय पर फ़ोन को पकड़ पकड़ करके, और ज़्यादातर टाइम तो नंदकिशोर और लक्ष्मण ही इसमें भिड़े रहे। अगर वो एक दो साथी और रहे हों तो मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, विपुल गर्ग भी शायद रहे होंगे। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि भाई नंदकिशोर, लक्ष्मण ये लोग चैनल को लेकर के काफ़ी क्या कहना चाहिए, जिसको काफ़ी फिक्रमंद है और वो कुछ करना चाहते हैं। तो उदयपुर कन्वेंशन दिसंबर 2017 में हुआ, बना था फरवरी 2017 में यूट्यूब चैनल। तब तक हमने कुछ छुटपुट वीडियो एक दो इकट्ठे हाँ डाले होंगे तो डाले होंगे, तब हाँ एक वो भी डाले थे जैसे ही चैनल बना था। उसके बाद आरपीडी एक्ट को भी हमने इस पर अपलोड किया था, जो कि कविता बनर्जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, वो आज भी है। पिछले दिनों भी जितेश भाई ने मांगा था रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमने उसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है आरपीडी एक्ट की, उसका लिंक वहाँ पर डाल दिया था। तो उदयपुर कन्वेंशन लाइव हुआ, उसका अच्छा रिस्पांस मिला, लगा कि यार ये तो चीज़ जोरदार है भाई। फिर 2018 में जो रविवारी परिचर्चा जुलाई 2017 से प्रारंभ हुई थी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको भी यूट्यूब पर डालने का निर्णय लिया गया। फिर कुछ जीके वगैरह के ऑडियो कपिल भाई तैयार करते थे, उनको भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाला। मुकेश जी और अक्षय सुराणा और अली असगर, जो अलग अलग सीरीज़ लेकर के आते थे, उनको भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाला। तो ख़ासकर जो रविवारी परिचर्चा, उसमें हमने प्रतियोगिता टाइप शुरू कर दिया था, तो उसके ऑडियोज़ को वीडियो बना करके भाई नंदकिशोर जाजड़ा डाला करते थे, हमारे युवा साथी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब नंदकिशोर डाल रहे थे तो पासवर्ड था नंदकिशोर के पास भी, नंदकिशोर को भी दिया गया। और उन्हीं दिनों में उदयपुर कन्वेंशन के अंदर कमल शर्मा सर ने घोषणा की थी कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा इंग्लिश को लेकर के। तो एक दो महीने बाद, 2-3 महीने बाद उन्होंने इंग्लिश की सीरीज़ शुरू कर दी, इंग्लिश के ऑडियोज़ बनाने शुरू कर दिए, तो हमने वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए। और इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये सीरीज़ भी लगभग 1 साल चलती रही, और उसके बाद समय समय पर कुछ मैंने अपने ऑडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड करने शुरू किए, मतलब मेरी भी क्लासरूम के कुछ ऑडियोज़ इंग्लिश की क्लास लेते हुए। उन दिनों ऑनलाइन क्लास लेनी होती थी
तो उसका बड़ा लाभ मिला बाद में कोरोना के टाइम पे, वो वीडियो कई बार बच्चों को भेज करके जो है वो लाभ मिला। तो वो कुछ विशेष स्कूल की परिस्थितियाँ थी, इसकी वजह से मुझे भी कुछ लेक्चर्स जो है वो उस समय ऑनलाइन तैयार करने पड़े थे। तो खैर, लेकिन फिर भी ठीक है, जो चैनल चल रहा है चल रहा है, उसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अभी भी हमने देवास कन्वेंशन के ज़्यादा एक दो वीडियो हो सकता है डाले हो तो डाले हो, ज़्यादा डाल भी नहीं पाए क्योंकि थे ही नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसके बाद में फिर जनवरी 2019 से थोड़ा हम सीरियस हुए, और ये खासकर मुझे लक्ष्मण ने ही सजेशन दिया था, लक्ष्मण मेवाड़ा ने, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि भाई अच्छा जिसने काम किया है उसका जिक्र होना चाहिए। तो ये मुझे लक्ष्मण ने कहा कि यार सर, ये YouTube चैनल को लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, लोग बड़ा इसको ध्यान देते हैं सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है तो तुम करो। तो उसने कहा हाँ ठीक है सर, मैं संभालूंगा। तो नंदकिशोर के पास भी पासवर्ड, लक्ष्मण बेवाड़ा के पास भी पासवर्ड, और जिसने चैनल बनाया था भाई स्वरूप अलदर, उसके पास तो थे ही थे। और वो पासवर्ड जब से ये चैनल बना था तब से चेंज नहीं हुए, कभी भी हमने चेंज ही नहीं करे, क्योंकि कभी ऐसा मन में विचार ही नहीं आया कि कोई गड़बड़ कर सकता है। सभी विश्वास वाले लोग अपने ही लोग थे। कौन, अच्छा कोई यूं भी था ना दिमाग में कि कोई गड़बड़ करके कर भी क्या लेगा यार। तो थे भी सब्सक्राइबर भी कितने थे, 300 400 500 600 होंगे ज़्यादा ज़्यादा, और कितने होंगे, बस इतने ही थे। अब इधर जब आबू कन्वेंशन की सारी तैयारियां हो गई, कुछ दिनों में जाना है आबू, लोग आने वाले हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम है और इतनी बड़ी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर के हो रहा है, ऐसे में दिन में लगभग 1:15 बजे मैं क्या देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पे तो कोई वीडियो ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, लगे मुझे कुछ समझ में नहीं आई कहानी। कुछ थे वीडियो, कुछ ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे वीडियोस थे जो व्यूज़ वाले थे वो सब डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, लेकिन फिर भी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया अनुभव था वो। और मैंने मैंने जैसा कि कहा, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था इन सब चीज़ों पर। तो भाई साहब, फिर उस समय तो चलो मैंने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया भाई। हमारा स्कूल का टाइम होता था 7:30 से 1 बजे तक, ये मई के शुरुआती दिनों की बात होगी 2019 में। और लगभग मतलब खाना वाना खाने के बाद 2:30-3 बजे मुझे लक्ष्मण का फ़ोन आया कि यार सर ये चैनल पे क्या हो रहा है। अरे मैंने कहा भाई मैंने भी देखा तो था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा सर कुछ गड़बड़ हुई अपने चैनल के साथ, इसको हैक किया किसी ने। मैंने कहा हैक कौन करेगा, अपने में ऐसा है क्या। उसने कहा नहीं सर कोई भी कर सकता है। तो यार मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया फिर। तो उसने कहा ठीक है सर, आप टेंशन मत करो, मैं देखता हूँ ज़रा इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो वो भी अपने तरीके से देखता रहा, और मेरी तो नींद उड़ी चुकी थी, दिमाग मेरा भी ख़राब हो गया, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ कभी सोचा ही नहीं था इस सब के बारे में, ध्यान ही नहीं दिया और सीरियस भी नहीं थे इसको लेकर के। लेकिन तब तक भी पासवर्ड चेंज नहीं किया था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। और ऐसे में शाम होते होते लक्ष्मण के साथ बात करने के बाद ये तय हुआ कि ये हम दोनों के ही बस का रोग नहीं था कि हम पता लगा पाए कुछ इसमें। और इस यहाँ पर एंट्री हुई एक तीसरे शख्स की, जो बहुत ही मजबूती के साथ हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं रिकॉर्डिंग क्लब में। लेकिन वो शख्स कौन थे और उन्होंने क्या किया और कैसे इस पूरे खेल का पटाक्षेप हुआ, ये सब मैं कल की कहानी में बताऊंगा। आज तो मुझे अनुमति दीजिए, रात बहुत हो गई है, आप सब कल ही सुनेंगे मुझे मालूम है, और जो आज रात को ही सुनेंगे उनका भी धन्यवाद, जो कल सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। और इतने दिन कहानी लेकर के नहीं आया, इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल, बहुत बहुत धन्यवाद।
be available. Select that button. Select it. 107.